महाझंडे वाली सेवा समिति की ओर से करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के ब्लड बैंक में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में युवाओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। शिविर करनाल सांसद संजय भाटिया एवं मेयर रेणुबाला गुप्ता ने मुख्य रूप से शिरकत की। इस दौरान उन्होंने रक्तदाताओं को हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि रक्तदान एक महादान है, इसके करने से व्यक्ति में किसी भी प्रकार की कमजोरी नहीं आती है और 7 दिन के अंदर मनुष्य का शरीर उस रक्त को पूरा कर लेता है। सांसद ने रक्तदाताओं से कहा कि रक्त एक ऐसी चीज है जो सिर्फ मानव के शरीर में ही बनती है, यह किसी फैक्ट्री या फिर किसी कारखाने में नहीं बन सकती। इसीलिए जरूरतमंद व्यक्ति की जान बचाने के लिए हमें रक्तदान अवश्य करना चाहिए। यह शिविर विशेषकर थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों के लिए लगाया गया था। इस अवसर पर बड़ी संख्या में पहुंचकर युवाओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। देखिए समाचार एक्सप्रेस की विशेष रिपोर्ट। अवेयरनेस बड़ी पब्लिक में बड़ी है। मैं आपको बताता हूँ, मैं कॉलेज टाइम से शुरू किया देना, तो मैं कई बार मुझे बुलाते थे ना, वो लड़का खड़ा है अपनी मदर को ब्लड नहीं दे रहा, कहने कहीं हम तो मजदूर आदमी है, गरीब आदमी है, आपका तो पूरा हो जाएगा, उनके मन में ये कंसेप्ट था। तो डॉक्टर मेरे एक दिन तो डॉक्टर पंकज मेरे से लड़ पड़े प्रेम हॉस्पिटल में, कहने यार वो लड़का दे नहीं रहा तू लड़ रहे। मैं वो धीरे धीरे जब मैं दूंगा उसके लिए समझ आ जाएगा। असल में भी एक्सीडेंट हुआ है, रात को 3 बजे मैं घर से निकला, 12 यूनिट उसको चढ़वाया लेकिन 5 बजे बच नहीं पाया। अब तो मैं कई बार हाइड करना पड़ता है, बीपी की मेडिसिन लेता हूँ मैं, तो वो बीपी मेडिसिन वाले को डिस्करेज करते हैं, डॉक्टर भी मत आप करें। और 2 साल पहले मतलब 2018 में पूरे देश भर में 51 स्थानों पर शहीदी दिवस रक्तदान शिविर 64 खड़ा कर लिया, सप्ताह कर लिया, शहीदी सप्ताह 101 जगह भी लगाया था एक साल। वो किसी की डेथ हुई थी जब वो एक डोनर था चंडीगढ़ का, वो डोनेशन देके घर जा रहा था, उसके एक्सीडेंट में डेथ हो गई, उसकी याददाश्त में 101 जगह पूरे देश भर लगाया पूरे देश में। और पीछे हमने 23 मार्च को सागर मध्य में कैंप लगाया, उसका डेट कौन सी डेट में हुआ था वो जुलाई में, 5 जुलाई को इस बार नोट करो, उनका उनकी याद में बड़ा करेंगे, बात उनकी नहीं है, उससे ज्यादा लोगों को कितनी प्रेरणा मिले। उसके लिए उसको 3 साल हो गए थे, तो हम हर साल लगा रहे हैं।5 जुलाई को सभी खड़े हैं पीछे, हमारा रक्तदान था शहीदी दिवस पे 23 मार्च को, तो हम ब्लड दे रहे थे, तो वहाँ सफाई करने वाली लेडीज वो 2-3 बारी जाए ब्लड दे, मैं जी आप रहने दो, तो ना वो आंसू आ गए उसके, कहती मैंने ब्लड देना ही देना है, कहती मेरा बेटा ब्लड के उसमें रह गया था, ना होने की वजह से दर्द ना होने का, उसने ब्लड दिया, फिर मैंने बोला नहीं आपका तो हम ब्लड लेंगे ही लेंगे, उसके मन का भाव था, कहती नहीं मैंने देना जरूर है, मतलब जो कई बार वो कहानी वाली बात लगती है पर हमारे प्रैक्टिकल हो, रो पड़ी कहती मैंने ब्लड देना ही है, और वहाँ की सफाई करने वाली है मंदिर की अभी भी होती है, तो उसके बाद जब से हमें जाता हमारा अपने मन भाव अच्छा है ना, लेडीज का कहते थे नहीं नहीं लेना, हमारे अब मेरे एक दोस्त थे उस समय तो कॉलेज, उनकी सिस्टर ने जब 2-3 सिस्टर थी वो ब्लड देते थे, उन्होंने भी बड़ी प्रेरणा करी समाज में, तो उस वक्त तो लेडीज देती नहीं थी, नहीं देते थे। सहारनपुर में इस बार SDP सिंगल डोनर प्लान रहा है। मेरा सभी अपने खासतौर युवा भाइयों से अनुरोध है, सभी को साल में 3 या 4 बार ब्लड अवश्य डोनेट करना चाहिए। मैं अपनी बात करूं तो मैं 58 बार ब्लड डोनेट कर चुका हूं और मेरी वाइफ ने भी 28 से 29 बार किया है, तो महिलाओं को भी इस सेवा में आगे आना चाहिए। ब्लड देने से शरीर में कोई भी कमजोरी नहीं आती। थैलेसीमिया के बारे में मैं बताना चाहूंगा, ये वो बीमारी है जिनमें छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको हर 20 या 25 दिन बाद ब्लड की आवश्यकता पड़ती है। इस बीमारी का हमारी मेडिकल साइंस में अभी तक कोई भी पुख्ता इलाज संभव नहीं हो पाया है। उससे बचने के लिए शायद 2 ही तरीके हैं जो मेरी नॉलेज में है, जैसे एक तो शादी से पहले हर लड़का और लड़की का ब्लड टेस्ट होना चाहिए इस बारे में, और प्रेगनेंसी के दौरान हर लेडी का इस बारे में टेस्ट होना चाहिए ताकि आने वाले बच्चे को इस बीमारी से बचाया जा सके। धन्यवाद। बहुत बार दर्जनों बार ब्लड डोनेट कर चुके हैं, तो ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं चावला मेडिकल कॉलेज स्पेशल थैलेसीमिया बच्चों के लिए लगाया जाता है। अपने सागर के साथ मैं कहना चाहूंगा कि सभी भाइयों को मिलकर रक्तदान करना चाहिए, जिससे कि उनके शरीर में कोई कमी ना रहे, और जो ब्लड हेल्पलाइन चला रहे हैं उनका सहयोग करते हैं। धन्यवाद। कहता हूँ कि ब्लड डोनेट महादान है, इससे बड़ा कोई दान ही नहीं है। जैसे थैलेसीमिया के संबंध में जो हमारे मनोज भाई साहब और उनके साथियों ने ये रक्तदान शिविर लगाया है, मैं उनके लिए
बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो पेशेंट इस ब्लड का इस्तेमाल हुआ। मैं इससे पहले भी 157 बार ब्लड डोनेट कर चुका हूँ और कोई ज़रूरी नहीं है भी किसी ब्लड डोनेशन कैंप में ही ब्लड डोनेट किया जाए, जहाँ भी जिसकी आवश्यकता उसको ब्लड डोनेट करना भी चाहिए। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।